मैं पहले अपनी बीवी पर शक नहीं करता था, अब जब से उलमाए किराम के बयान सुनता हूं तो निगरानी की गरज से बीवी पे शुबा होता है। क्या करूं? उलमा को बदनाम कर रहे हैं बिलावजह। बीवी पे शक करना, शुबा करना, खामखा में कोई दलील है नहीं, तो ये तो बंदे के खराब होने की अलामत है। देखो एक बात याद रखो, औरत अगर अपने शोहर पे शक करे ना, ये इतना बुरा नहीं है, ये मोहब्बत की अलामत है। वो नहीं चाहती कि मेरा मियाँ, औरतें तो करती ऐसी हैं ना कि वो चाहती हैं मियाँ, उनको औरतों को पता होता है कि आदमी लोग अक्सर ठरकी होते हैं, उनको पता होता है, उनको पता होता है कहीं भी आँख मटक्का का मौका मिला ये आँख मटक्का करेगा, तो वो मोबाइल में भी घुसती है और निगरानी भी करती है और शक भी करती है। ये बुरा नहीं है, ये हर औरत की नेचर है, इसमें गैरत वैरत में आने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मोबाइलों में घुसना वैसे बुरा काम है, जायज़ नहीं है, लेकिन औरतें उनको ये होता है शुबा, ये आँख पटक्के कर रहा होगा। लेकिन अगर मर्द औरत पे शक करना शुरू कर दे ना बीवी पे, तो फिर ये बेगैरती है, समझते हो? क्योंकि औरतों की आदत नहीं होती मर्दों से दोस्तियाँ लगाना। शादी के बाद जब शादी हो जाती है ना लड़की की, फिर उसको मर्दों में दिलचस्पी नहीं होती। फिर अगर वो मर्द में दिलचस्पी ले रही है तो ये बहुत ही बुरी बात है। ऐसे मौके पे अगर आप बेगम को ये कहते हैं ना, मुझे तुम पे शुबा है कि तुम कहीं वसीम से तुम्हारी दोस्ती तो नहीं, तो ये बहुत बड़ी गाली दे दी आपने, समझ रहे हो? तो ये लफ्ज़ ज़बान से निकालने से पहले 100 दफ़ा सोचे कि ये छोटा मतलब नहीं है, ये छोटा लफ्ज नहीं है। आज ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास, भाई जब तक आपको यकीन नहीं है, ठोस सबूत नहीं है, खामखा में बीवी पे ये कहना कि मुझे शक है तुम पर, ये बहुत बड़ा, इससे शरीफ औरत, खानदानी औरत पे आपने गोया पहाड़ गिरा दिया, समझ रहे हो? बहुत बड़ा पहाड़ गिरा दिया आपने उसके ऊपर, इससे उसके भाई माँ और ये सब लोग बहुत तकलीफ में आते हैं। तो इसलिए औरत के बारे में ये अल्फाज कहना, बीवी को कहना कि मुझे तुम पे शक है, ये बहुत बड़ी गाली है। और औरतें तो कहती रहती हैं मियाँ पे, पता नहीं यार आप मोबाइल में ये वसीम सच्ची मुच्ची का वसीम है, ये जो सुहेल, हमारे सुहेल भाई बैठे हुए हैं, ये कहीं सहेली तो नहीं है जिसको शॉर्ट में सुहेल लिखा हुआ हो आपने, है भाई? बाज़ा ऐसे होता है ना, यानी शॉर्ट फॉर्म में मर्द ने लिखा हुआ होता है, और होती वो शी है लेकिन ही के आगे दो नुक्ते लगाए हुए होते हैं, ये फ़र्ज़ किया होता है कि जो ही में दो के तो मेरी नज़र में वो शी होगी, तो मर्दों ने ऐसे कोड रखे हुए होते हैं। ठीक ठीक। और ख़ास तौर पे कोई मर्द मेरे बयान में बैठता भी हो तो उसकी बीवी को तो वैसे ही इत्मीनान नहीं होता, पता नहीं 4 शादियों के चक्कर में कहाँ कहाँ दोस्तियाँ लगाई हुई होंगी। हालांकि हम दोस्तियों को हराम कहते हैं, दोस्तियाँ लगाना जायज़ नहीं है, लेकिन मर्द जो है ना, हमारा आधा बयान लेते हैं आधा नहीं लेते, शादियों वाला ले लेते हैं, दोस्तियों हराम है ये वाला नहीं लेते हमसे, ये वहीं अपने ये लिबरल लोगों से लेते हैं, आधा इस्लाम और आधा मगरिब। तो पूरे इस्लाम को फॉलो करो भाई, इस्लाम में दोस्तियाँ नहीं लगा सकते आप। तो मैं यस कर रहा था कि औरत अगर शौहर पे शक करती है तो ये तो नेचुरल है एक किस्म का, ये हर औरत करती है, ये उसकी गैरत है, ये उसकी मोहब्बत है, ये वो नहीं चाहती मेरा मियाँ कहीं भी आँख मटक्का करे, और उसको पता है औरतों को कि मर्दों के काम होते हैं ये आँख मटक्के, समझते हैं? समझते हैं, करते हैं तो समझते क्यों नहीं, माजरत यानी आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूँ। जबकि औरतों का ये काम, अक्सर औरतें ऐसी नहीं होती, जब शादी हो जाती है तो उनकी नज़र में अपना मियाँ ही होता है, मियाँ के अलावा कोई और नहीं होता, तो उसको ये अल्फाज कहना। एक खातून ने बताया कि मेरे मियाँ ने मुझे फ़ोन किया, एंगेज जा रहा था कहीं अपने मामू चाचे से बात कर रही, तो फिर फ़ोन पे कहता है मुझे लगता है तुम किसी से बातचीत करती हो, मुझे लगता है तुम्हारा किसी से चक्कर है। ये बहुत कड़वा जुमला है, इज्जतदार औरत नहीं बर्दाश्त करती है ये ताने। तो इसलिए क्या हाल है? हाँ अच्छा अच्छा माशाल्लाह, सऊदी अरब से आया, जबरदस्त, इसलिए मास्क लगा हुआ है आपके, इसलिए मास्क लगाया हुआ है। अच्छा चलो शाबाश, बैठ जाओ। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो ये जो है ना, इतना हल्का जुमला नहीं होता ऐसे ही पार्सल कर देना। तो ये जो नहीं लिखा है, मैं उलमा के बयान जब से सुन रहा हूँ बीवी पे शक कर रहा हूँ, गलत कर रहे हैं उलमा, ऐसी कोई बात नहीं करते और नहीं करें शक। निगरानी करना अलग चीज़ है, शक करना, निगरानी तो अपनी औलाद की भी होती है, सबकी होती है निगरानी, निगरानी तो हुकूमत आवाम की भी करती है, तो ये थोड़ी होता है कि सारे गलत हैं।